नासा में यहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुई, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे है, काफ़ी तरीका है। तो एनएसए का रिक्रूटमेंट रिलीज हुई, तो यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी होगी, वर्क शेड्यूल क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना चाहिए अगर इस पोस्ट को अप्लाई करनी है। तो देखते हैं हम इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। पोस्ट का नाम है डायरेक्ट ऑफ सपोर्ट ऑर्गन ऑपरेशंस डायरेक्टर, तो SOD इसे बोला जाता है। SOD डायरेक्ट ऑफ सपोर्ट ऑपरेशन डायरेक्टर। अप्लाई मोड है ऑनलाइन मोड से। सैलरी आपकी है डॉलर में होती है, तो 176 ओके 176,301 डॉलर ओके स्टार्टिंग सैलरी, एंड 1,88,302 पर ईयर डॉलर ओके। सो यू कैन सी। एंड वर्क एक्सपीरियंस और वर्क शेड्यूल फुल टाइम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर एग्जीक्यूटिव एंड गाइड द इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी एनालिटिक्स एनालिसिस प्लानिंग एंड कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग द बिजनेस एंड डेवलपमेंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। दैट्स द फैसिलिटीज की डिसीजन बेस्ड ऑन बेसिस बिजनेस इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रायोरिटी रिकमेंडेशन एंड स्ट्रेटजी। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्मुलेशंस ऑफ द पब्लिक पॉलिसीज प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशंस एंड मैनेजिंग द डायरेक्टेड टू मिनिमाइज रिक्स। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पढ़ सकते हैं, जो मैं भी यहाँ पर पढ़ सकता हूँ, बट आप भी पढ़ सकते हैं। ओके मैं पढ़ूंगा तो यहाँ पर बोर हो जाएंगे, बट यहाँ पर क्या है, आप पढ़ेंगे आराम से बैठ के, सब समझ में आना चाहिए। सारी चीज़ों को देखना है ध्यान से। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यू हैव मस्ट स्किल्स एपेबिलिटी एंड परफॉर्मिंग ड्यूटीज डिस्क्राइब अबाउट द डिस्क्रिप्शंस। प्रोग्रेसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवियर लीडरशिप एक्सपीरियंस मंथली नॉर्मली ऑब्टेन ओवर सर्विस। तो यहाँ पर क्या बोला, ईयर बाय सर्विंग पोजिशन एट द GS 15 लेवल का इक्विफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके अंदर एक एजुकेशन नहीं, एक ऐसी कला, एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप ड्यूटीज डिस्क्राइब कर सके। डेमोन्स्ट्रेशन बाय द प्रोग्रेसिवली होनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए उस चीज़ के, सुपरवाइजर लीडरशिप की तरह एक्सपीरियंस एंड नॉर्मली ऑब्टेन वगैरह सर्विस हो, तो वो सारी चीज़ पर ध्यान देनी है आपके खुद के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर कैसे अप्लाई करनी होती है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाता है। लास्ट डेट फॉर अप्लीकेशन फिल करने के लिए 23 फैब है लास्ट डेट। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आपको अप्लाई करने हैं ओके। तो आपको यहाँ पर आकर के खुद भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे जॉब्स आते रहते हैं नोटिफिकेशन नए नए, आप आकर के आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बस आपको अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर दीजिए, बस अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सो मैं जैसे यहाँ पर आप मैंने क्लिक कर दिया, अब जब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता तो यहाँ पर मेरे को आ गया आगे कुछ प्रोसेस लॉग इन गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ईमेल एड्रेस पासवर्ड टाइप करके साइनिंग करूँगा, बट यहाँ पर अकाउंट है नहीं है, अकाउंट क्रिएट करना होगा पहले। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, एंटर योर ईमेल एड्रेस, अपना रियल एड्रेस देना है, ईमेल एड्रेस देना है, ईमेल देना है। ईमेल जब दे देंगे आप ईमेल आईडी अपनी, तो यहाँ पर आपको अपनी योर ईमेल लैंग्वेज प्रिफर्ड, तो मेरा इंग्लिश ईमेल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इंग्लिश पर क्लिक कर दूंगा। एंड यहाँ पर आई रीड द एक्सेप्ट लॉग इन गवर्नमेंट रूल्स, तो यहाँ पर जरूर पढ़ें कि क्या है वो रूल्स, नहीं आपको पता रहेगा तो आप बाद में फंस जाएँ, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, उसे जरूर पढ़ें और सबमिट कर दीजिएगा। जब सबमिट हो जाएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है लॉग इन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल करके साइन इन पर क्लिक कर देंगे। तो यही आपके प्रोसेस है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं जिस पोस्ट में भी अप्लाई करना है उसके लिए। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस में डाउट होता है सो डेफिनेटली कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आ जाओ, अपना एप्लीकेशन फॉर्म के प्रोसेस भी कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।